Happy day to all children and welcome back again to environment class. Yes, chapter number 2, that is a snake charmer's story. आज हम a snake charmer's की story के बारे में पढ़ेंगे. And what we'll read in it? हम क्या पढ़ेंगे? Of course, snakes के बारे में पढ़ेंगे. And yes, and about snake charmer's. Yes, snake charmer's के बारे में भी पढ़ेंगे. And we'll start our lesson with some hard words. Then we'll understand what is Nag Gumfan and then what is Bin. ये पूरी जो story है उसको read करेंगे and then we'll understand about all the process about the snake charmers, how they keep snakes and what are the snakes. Snakes क्या होता है, उसके features क्या है and how they are helpful to us, how they are harmful to us. ये सब हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज अ स्नेक चार्मर के स्टोरी में पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग अवर लेसन हमने हार्ड वर्ड समझ लिए बट विल क्लियर सम पॉइंट्स. दैट इज व्हाट इज नाग गुम्फान. नाग गुम्फान क्या है? नाग गुम्फान इज अ डिजाइन, अ टाइप ऑफ डिजाइन विच इज यूज्ड टू डेकोरेट द वॉल. दीवारों पे सजाई जाती है, ऐसी दीवारों पे बनाई जाती है. यस, एंड इट इज यूज्ड इन रंगोली ऑल्सो. रंगोली भी इसकी बनती है. यस, इट इज Nag Gumfan. And you know children, it is also made. Yes, embroidery भी बनती है इसकी. सी कैसा है ये Nag Gumfan, है ना? It is a रंगोली type design. Yes, and you know it is also decorated on the wall. Yes, and it is mostly ये कहाँ देखी जाती है? ज़्यादातर South India में. Yes, South India में इसको देखा जाता है. ज़्यादातर हमें ये South India में मिलती है. Even we find the same सौराष्ट्र गुजरात ऑल्सो. सौराष्ट्र गुजरात में भी ये ऐसे डिजाइंस देखी जाती है. सो दिस इज नाग गुम्फान बच्चों. सी हाउ इट इज डेकोरेटेड. यस, इट इज डेकोरेटेड इन वॉल्स. इट इज यूज्ड एज एम्ब्रॉयडरीज. इट इज यूज्ड एज रंगोली. यस, सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. व्हाई वी हैव टेकन दिस टॉपिक? बिकॉज स्नेक चार्मर्स यूज करते हैं इसको एंड विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ बिन. यस, व्हाट इज बिन? बिन क्या होता है? इट इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर उसको यूज करते हैं. व्हेन दे प्ले दिस बिन द स्नेक यूज टू डांस. एंड यू नो चिल्ड्रन, दे आर ट्रेन फॉर दिस. और उनको ट्रेनिंग मिलती है ऐसी चीजों की. देन दे यस आर डूइंग दिस डांस. दैट इज व्हेन दे hear, when they listen, when they see the movements of this bin, they used to dance. Yes, it is amazing fact, na? Yes, but you can see, yes, like this, if the bin is played, the snake used to dance. And you know children, in villages, there are bin parties. कैसे bin party होती है? What is bin party? अभी ये क्या होता होगा? See, it is a bin party. And yes, you know children, bin party में क्या क्या use होता है? See, bin, tumba, khanjri and dol. This many things are used in bin party. Yes, है ना? Amazing. Bin, tumba, khanjri and dol. And see how the people are enjoying with this. है ना? Interesting. Yes, and one more fact about this is, see, except dol, the other three instruments, that is bin, tumba, khanjri, all these three things are made from dried gourd, that is loki. Yes, let's start with page number 15 from our NCERT textbook. Yes, a snake charmer's
story. I am Aryanar. I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bin. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bin. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. See, bacho, in this, अभी आर्यनाद अपनी खुद की बात बता रहा है. क्या बता रहा है? कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते. एंड वॉट इज इट? वो क्या है? यस, इट इज टू प्ले बिन. बिन बजाना. वॉट इज बिन? सी, देन यू मस्ट बी सरप्राइज. यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बिन. मतलब सरप्राइजिंग लगता है. वो जब भी बिन बजाता है तो स्नेक्स डांस करते हैं. यस, आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. उसकी फैमिली मेम्बर्स से उसने ये सब सीखा है. एंड वो लोगों को क्या बोला जाता है? वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज. यस, दिस पीपल आर नोन एज कालबेलियाज. नेक्स्ट, माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमॉन्गस्ट अवर पीपल. ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. See, दादाजी का नाम क्या था? रोशन नाथ जी. एंड वो बहुत फेमस थे. कैसे फेमस थे? वो ईजिली पॉइजनस स्नेक्स को भी पकड़ लेते थे. He tells me many stories about his past. उनके जो past experience की stories थी ना, वो हमेशा आर्यनाथ से शेयर किया करते थे. चलो अभी उनके ही मुँह से हम सुनते हैं. ठीक है, पेज नंबर 16. दादाजी रिमेंबर्स. अभी पेज नंबर 16 में दादाजी रिमेंबर्स, मतलब ये दादाजी खुद अपनी बात बता रहे हैं. सो लेट्स लिसन टू दादाजी. फ्रॉम टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सफेराज, दैट इज स्नेक चार्मर्स. मतलब दादाजी के टाइम से और उनके दादाजी के टाइम से हम ये काम करते आ रहे हैं. दैट इज ऑफ सफेरा, दैट आर स्नेक चार्मर्स. बच्चो, स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. स्नेक उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यस, स्नेक्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बाम्बू बास्केट्स. यस, ये लोग क्या करते थे? विलेज टू विलेज कैरी करके जाते थे. क्या कैरी करके जाते थे? बैम्बू बास्केट. सी लाइक दिस. यस, बैम्बू बास्केट्स कैरी करके जाते थे विलेज टू विलेज. वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज क्राउड वुड गैदर अराउंड अस. वी वुड देन टेक अवर स्नेक्स फ्रॉम अवर बास्केट्स. सी, जब भी वो विलेज में जाते थे ऐसे क्राउड हो जाता था ये शो देखने के लिए. एंड दे वर ईगरली वेटिंग फॉर दिस शो. Even after the show, people would stay on. They know that in our tin box, there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from forest. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines, even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money and food grains to for our livelihood. Yes, in this way we could manage our life. See bacho, in this paragraph kya samjhaya hai ki show khatam ho jane ke baad bhi they used to stay. Kyun? Because they knew, unko pata tha unke tin box mein medicines hai. Kya hai? Medicines. And ye medicines kaise banate ye log? We made this medicines from plants collected from forest. Forest से इकट्ठा करके, पत्ते इकट्ठा करके ये medicines बनाते हैं. I had learned all this from my grandfather. दादाजी बता रहे हैं कि ये उन्होंने उनके दादाजी से सब सीखा है. You know children, I felt nice that I could help people with my medicines. उनको अच्छा लग रहा है कि उनकी medicines की वजह से लोगों को help मिल रही है. And in return, people क्या करते थे? People would give us some money or food grains. In return, जब भी हम उनको दवाई देते थे तो वो लोग in return हमें क्या करते थे? They give us some amount of food grains. Yes, and some money. In this way, we could manage our life. ऐसे हम हमारा गुजारा चलाते थे. है ना interesting? Yes.
Sometimes I was called to place where someone had been bitten by a snake. You know children, कभी कभार snake काटता था तो दादाजी को बुलाया जाता था. From the mark of bite, I tried to find out which snake has bitten the person. I would then give a medicine for that. Some snake bites can even cause death on the spot, but most of snakes are not poisonous. See, अभी क्या बता रहे हैं कि उनको तो जब भी स्नेक्स काटते थे तो उनको बुलाया जाता था, और उन दादाजी को कैसे पता चल जाता था? स्नेक के मार्क से ही पता चल जाता है. सी लाइक दिस, ऐसे दिस आर द मार्क ऑफ स्नेक. यस, दादाजी कुड मेक आउट, उनको पता चल जाता है कि कौन से स्नेक ने काटा है. है ना इंटरेस्टिंग. एंड वो दवाई लगाते थे एंड द पर्सन वुड गेट ऑल राइट, फिर वो पर्सन ठीक हो जाता था. बट ऐसा हमेशा नहीं होता था. क्या दैट बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन द टाइम टू हेल्प, हमेशा वो ऐसे हेल्प नहीं कर पाते. क्यों? एज यू नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट. दैट इज कभी कभार कोई स्नेक ऐसे होते जो हमें काटते हैं तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. सी बट ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, सम स्नेक्स आर पॉइजनस. यस देन sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. After all, catching snake was something I had been doing since my childhood. See, in this paragraph they are trying to explain us about farmers hai ki koi bhi person hai, agar hamare area mein saap aaya to we used to shout na saap saap karke. The same way farmers used to shout and come running to dadaji, and dadaji bhi itna mast daud ke jate the and used to help that person. After all, catching snakes was something, aur snake ko pakadna unka bachpan se hi kaam tha, unko bachpan se ye aata tha. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. I was also like today when everyone watches TV for entertainment. You know children, वो बहुत ये दिन याद करके वो बहुत खुश हो रहे थे कि वो कितने अच्छे दिन थे. We could help a lot of people in many ways. वो लोगों को yes बहुत help कर पाते थे. Yes कैसे? और yes they used to entertain by this shows, उनको entertain करते थे. It was not like today, आज के जैसे नहीं होता. आज कैसे होता है? Yes, हम हमेशा TV के सामने बैठे रहते हैं और खुश हो लेते हैं. But those days were different, ऐसे दादाजी बता रहे हैं, खुश हो रहे हैं वो दिनों को याद करके. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth fangs. See, you can see the teeth fangs of, yes, these are the teeth fangs of snake. You know children, he also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. See, snake ke mouth mein ek tube hoti hai, in which it is filled, matlab poison feel hota hai. Wo bhi kaise close karte hai, wo bhi dadaji ko sikhaya gaya, but thode bade hue tab sikhaya gaya. Yes, now what can we do? Abhi hum kya kar sakte hai? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. जब भी आर्यनाथ को बता रहे हैं दादाजी कि तुम्हारे पिताजी तो छोटे थे तब से मेरे साथ आ रहे थे. He learned to play the bin without being taught. उनको तो बिन बजाना सिखाना ही नहीं पड़ा. क्यों? क्योंकि वो दादाजी के साथ हमेशा होते थे एंड वो ऑब्जर्व करते थे दादाजी को. एंड ही यूज़ टू लर्न लाइक दैट ओनली, ऐसे ही उनको आ गया. These days it is difficult. Now government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. You know children, abhi ke dinon mein bahut mushkil ho rahi hai. Kya mushkil ho rahi hai? Because government ne ek rule banaya hai not to catch wild animals. Wild animals ko pakda nahi ja sakta. Some people kill the animals and sell their skins at high prices. Kyun? Because animal ko pakda jata hai, फिर उनको मारा जाता है, देन उनकी स्किन्स को सेल किया जाता है. दिस इज़ द रीज़न विच इज़ नॉट प्रॉपर थिंग, ये ठीक बात नहीं है. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया. ठीक है, नाउ विद दिस लॉ हाउ वी विल ऑन अवर लाइवलीहुड. अगर ऐसा ही रहा, मतलब ऐसा ही चल रहा है, तो हम कैसे हमारा लाइवलीहुड
मतलब लीव करेंगे, हम तो उसी पे गुजारा करते थे, ऐसे बता रहे दादाजी, है ना। क्योंकि जब भी वो शो प्ले करते थे तभी दिस पीपल द क्राउड अराउंड देम दे यूज टू गिव देम सम मेडिसिन मीन्स सम ग्रेन्स एंड सम मनी, है ना। तो फिर अभी वो लोग कैसे मैनेज करेंगे दादाजी, ऐसे बता रहे हैं हमें। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, यू नो चिल्ड्रन, दादाजी इज फीलिंग पिटी ऑन ऑल ऑफ देम दैट हम तो कभी स्नेक्स को मारते भी नहीं थे एंड सोल देयर स्किन, उनको स्नेक को मार के हम उनकी स्किन को सेल नहीं करते। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन, लोग बोलते हैं कि ये लोग हैं ना सफेरे लोग स्नेक को बहुत बैड कंडीशन में रखते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इफ़ यू वॉन्टेड वी टू कुड हैव ऑन द लॉट ऑफ मनी बाई किलिंग स्नेक्स, अगर वो चाहते तो स्नेक्स को मार के बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, बट वी वुड नेवर डू दैट, बट वो लोग ने ऐसा कभी नहीं किया। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर, वो तो उनका खजाना है। येस, ट्रेजर मीन्स खजाना, कैसे, दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे से पास करते थे, मतलब दादाजी फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, ये लोग सब सफेरे का काम करते थे। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड इन अवर, यस, इन अवर कालबेलिया ग्रुप, मतलब ये जो कालबेलिया पर्सन्स है ना, दे यूज टू गिव दिस स्नेक्स, यस, दे गिफ्ट टू देयर डॉटर, यस, उनकी डॉटर को गिफ्ट में भी देते थे स्नेक, है ना। द ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड कालबेलियाज, जो स्नेक चार्मर्स है ना उनको कालबेलियाज, ग्रुप ऑफ द पीपल हु कीप्स द स्नेक्स, उनको कालबेलियाज बोला जाता है, हमने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था ना, यस। सो दे गिफ्ट द स्नेक्स, उनके डॉटर को भी गिफ्ट करते थे, बिकॉज यस दे वर द स्नेक्स वर अवर ट्रेजर्स, मतलब उनकी उनका खजाना था, उसमें से वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन तो देख करते ही थे ये सब फॉलो, बट उनके डॉटर्स को भी गिफ्ट करते थे। यू नो चिल्ड्रन, इन अवर कालबेलिया डांस वी हैव मोमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक्स, यू सी दिस इज द कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस में भी ऐसे स्नेक्स के मूवमेंट्स होते हैं, इतना वो लोग स्नेक्स को वर्शिप करते थे, मतलब मानते थे। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ ऑफ योर सेल्फ, अभी आर्यनाथ को बता रहे दादाजी कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ डिफरेंट जीनी पड़ेगी, वो कैसे, यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, क्योंकि तुम्हें तो गिफ्ट मिला है ना बीन बजाने का तुम्हारे पिताजी से। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम्हें और तुम्हारे कजिन को बीन पार्टी फॉर्म करना है लाइक दिस, यस, व्हाट इज इट, बीन पार्टी, बीन पार्टी मतलब यस, सी जैसे कि अभी हमें बर्थडे पार्टीज़ होती है, पिज्ज़ा पार्टीज़ होती है ना, वैसे ही अभी दादाजी बता रहे हैं तुम्हें बिन पार्टी फॉर्म करना है एंड एंटरटेन पीपल लाइक दिस, है ना। बिकॉज इन दिस टाइम हमें पता ही नहीं कि ऐसी चीज़ें होती है, नहीं पता था ना हमें भी। नाउ बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, जो तुम्हें तुम्हारे एल्डर्स से मिला है, द स्किल विच यू हैव गॉट, ये जो नॉलेज है उसको वेस्ट मत करना, यूज इट, ऐसे दादाजी समझा रहे आर्यनाथ को। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़, जो टाउन्स एंड सिटीज़ में बच्चे रहते हैं ना उनको तो स्नेक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनसे ये सब चीज़ें शेयर करो, दे यू मस्ट नो अबाउट वॉट इज़ स्नेक, वॉट इज़ स्नेक चार्मर, ठीक है। Tell them that they should not be scared of snakes, और उनको बताओ स्नेक से डरना नहीं है। Help them to recognize poisonous snakes, yes, poisonous snakes को भी recognize करना सिखाओ उनको, बताओ कैसे snakes poisonous है, yes, कौन कौन से snakes poisonous है, ऐसे उनको बताओ। Tell them how snakes are friends of farmers, और ये भी बताओ snake are the friends of farmers, वो कैसे, they eat rats in the fields, otherwise rats would eat the crops, yes, see ऐसे field में rats होते हैं जो crops को destroy करते हैं, they used to help them by eating rats, है ना। तो अभी उनके दोस्त हुए ना farmers, farmers के दोस्त हुए ना snakes, yes। Now you tell our story, also make a new story of your life to tell your grandchildren, अभी ये इनकी स्टोरी है, ये हमें सबको बताना है। एंड ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ आवर मीन्स योर लाइफ,
टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, और एक और स्टोरी बना के आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को बताना। नाउ पेज नंबर 20 बच्चों, सी ऑफ द मैनी काइंड ऑफ स्नेक्स फाउंड इन अवर कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। सी ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड पॉइजनस इन अवर कंट्री, दे आर कोबरा, सी कोबरा, देन कॉमन क्राई, यू कैन सी यस रूशियल स्वाइपर दैट इज जुबोया, देन सो स्केल दैट इज अ फायर। सी दिस आर 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स विच आर पॉइजनस, यू कैन सी द इमेज कोबरा यस, देन कॉमन क्राई यस, देन जुबोया यस, यू कैन सी डिफरेंस यस, देन अ फायर। सी दिस 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, नाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इट ना, अभी पता चलेगा। सी इट इज ईजी टू रिकॉग्नाइज ऑल्सो वेन वी सी लाइक दिस टाइप ऑफ स्नेक्स, इट इज वेरी ईजी टू रिकॉग्नाइज दैम एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दे आर पॉइजनस स्नेक्स, है ना। वन मोर थिंग, अ स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ दैट आर कॉल्ड फैंग्स, यू नो यस। When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. जब भी वो हमें काटता है ना, तो उस person के body में poison कहाँ से, through this fangs spread होता है। There is a medicine for snake's bite. Yes, medicines भी available होती है snake जब हमें काटता है। And the medicine is made from snake's poison, और उनकी poison से ही बनती है। And is available in all government hospitals. And जो हमारा सिटी होता है ना, एवरी सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड इट इज़ अवेलेबल इन एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। सो दिस वे वी अंडरस्टूड दैट देर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स, दैट इज कोबरा, कॉमन क्राई, रूशियल स्वाइपर, सो स्केल्ड दैट इज अ फायर, है ना। दिस आर द 4 टाइप्स, यू कैन सी इन द इमेजेस ऑल्सो एंड यू ऑल्सो अंडरस्टूड दैट अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ that are called fangs, है ना, how they bite us, yes. So this way we learnt about poisonous snakes. हमने ये लेसन में क्या पढ़ा, making snakes dance with playing bin, bin से bin बजाते और ये snakes dance करते हैं। bin playing is an art performed by some people who are known as कालबेलिया, yes कालबेलियाज, है ना, persons को कालबेलियाज बोला जाता है, स्नेक चार्मर्स भी बोला जाता है एंड सफेरेस भी बोला जाता है ना। स्नेक चार्मर्स ऑल्सो हेल्प पीपल इन केस अ पर्सन इज बिटन बाय अ स्नेक बाय गिविंग देम मेडिसिन, अगर किसी को स्नेक ने बाइट किया है तो वो लोग मेडिसिन देके भी उनको हेल्प करते हैं, है ना, विथ फ्रॉम नेचुरल हर्ब्स, प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल हर्ब्स। People also enjoy, yes, bin party होती है ना, yes, in which they play musical instruments like, see, khanjuri, tumba, bin and dhol are used in this musical instruments. And we also learnt about poisonous snakes, है ना, poisonous snakes के बारे में भी पढ़ा, है ना। Then we also studied about Kalbelia dance, है ना, दिस ऑल्सो वी स्टडीड दैट दिस पीपल परफॉर्म्ड अ कालबेलिया डांस ऑल्सो इन विच देर आर मूवमेंट्स ऑफ स्नेक्स। सो विथ दिस स्टूडेंट्स विल एंड अवर चैप्टर एंड होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टूड इट। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।